board of the first set. S. Ganeshan of Tamil Nadu break. Score is 3 against 7. Team Manager Chandigarh, Team Manager Telangana, Kindly Serve Your Guest. Women's Team Manager Chandigarh and Telangana, Kindly Serve Your Guest. Thank you.
first set, S Ganeshan of Tamil Nadu break score is 16. Come on. Thank you.
Deep go to the first set. J.K. Datta pass on to break. Score is 16 against 5. Best play. Board of the first set, S Ganeshan of Tamil Nadu to break. Score is 7 against 16.
सेट 716 लेकर हम लोग बोर्ड बोर्ड के पेपर सभी लड़ों में 2 points
7th board of the first set. J.K. Datta pass on to break. Score is 16 against 9. Three blacker on the board. Board in the favor of Assam with 6 points. Yeah.
पूर्ण बंद होती। यहाँ पे फर्स्ट सेट होता हुआ गणेशन वर्सेस जुगल किशोर दत्ता मैच चलती हुई, और पहला सेट जीत लिया है जुगल किशोर दत्ता ने। ये सेकेंड सेट की शुरुआत यहाँ पे होती हुई क्वीन का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्वीन को खेल लिया है, पॉकेट कर दिया है, और अब कवर खेलते हुए हैं, कवर को भी पॉकेट करने में कामयाब। देखते हैं कनेक्शन की प्रयास, और बेहतरीन तरीके से कनेक्शन, क्या बात है, बहुत अच्छी शुरुआत। रिबाउंड में भी परफेक्शन देखिए, किस तरीके से सिंगल रिबाउंड था लेकिन उसको उन्होंने पॉकेट में करने में कामयाबी मिलती हुई। यहाँ पे भी एक रिवर्स का स्ट्रोक है, अगर ये जाता तो कुछ ना कुछ बढ़िया देखने को मिलता, या तो ब्रेक टू की वाइट स्लैम की ज़रूर कोशिश होती। यहाँ देखिए एक ब्लैक कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई, फिर एक बार दूसरे वाइट कॉइन के बाजू में जो ब्लैक थी उसे भी पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई। यहाँ पे स्टैंडिंग कट खेलते हुए दो ब्लैक जो है उनको इजी करने का प्रयास ज़रूर होगा, जिसमें भी कामयाबी मिलती हुई। जुगल किशोर बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है, क्या बात है। हार्ड प्रेस करते हुए ब्लैक कॉइन को पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए कनेक्शन खेलेंगे, और प्रयास तो ये था कि जो बेस में ब्लैक कॉइन थी उसको इजी कर दें। अब सिर्फ तीन वाइट कॉइन बोर्ड पे बची है, उसमें से एक इजी है जिसको पॉकेट करने के प्रयास में नासफल असफल। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अपने पोजीशन को फिनिश करने के कागार पे खड़े हैं जुगल किशोर, बहुत अच्छी तरीके से खेला। क्या ये कनेक्शन रिवर्स का जो है रिटर्न का उसको खेलेंगे? अगर उसको खेल लिया तो भी मैं यही बोलने वाला था कि ये वाइट उसके उन ब्लैक के सामने आ जाएगी। अब देखिए किस तरीके से खेलने का प्रयास है। यहाँ पे डबल टच, ओहो हो हो, जिस कॉइन को लॉक था उसका ही लॉक उन्होंने खोल दिया है। मेरे ख्याल से बैलेंस पे कोशिश करेंगे या फिर पता नहीं, बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कामयाब। देखिए गलत स्ट्रोक को चॉइस किया, या नॉर्मल अगर वो खेलते डबल टच तो भी उनके हाथ हिस्से में ब्रेक मिलती। अब देख रहे हैं हम पहला, ये जो मैच चल रही है दर्शकों को मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, मेन टीम इवेंट की सेमीफाइनल मैच है। ये मैच चल रही है एस गणेशन तमिलनाडु वर्सेस जुगल किशोर दत्ता आसाम, इन दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में। अगर मैं बात करूं गणेशन की तो वो करंट तमिलनाडु के स्टेट चैंपियनशिप चैंपियन है, और चार बार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 2004 से वो नेशनल पार्टिसिपेंट है, मतलब कितना बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, और एक बार नेशनल में प्री क्वार्टर फाइनल तक खेल चुके हैं। हालांकि जुगल किशोर दत्ता जो आसाम से है, रेड टी शर्ट में आप उनको देख सकते हो, बहुत यंग खिलाड़ी है, अभी अभी खेलना शुरू किया है, एक 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है उनका। उसमें भी उन्होंने दो बार आसाम की स्टेट चैंपियनशिप जीती हुई है, जूनियर में भी एक बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती हुई है, और इंटरनेशनल में भी वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, माफ़ कीजिएगा, नेशनल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे ब्रेक बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, इंडेक्स फिंगर से ब्रेक करते हैं, इसलिए ब्रेक का परफेक्शन बहुत ज़्यादा है।
ये कनेक्शन पॉकेट कर दिया है। एक एक चुन चुन के खेल रहे हैं वाइट कॉइन, जो गैप गैप में से उनको दिख रही है उस तरीके से सब पॉकेट। देखिए ये हार्ड बम खेलने का प्रयास होगा सीजर ग्रिप से, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब एक शॉट उन्हें दिख तो रहा है, लेकिन क्या इस शॉट को अलग तरीके से खेलने का प्रयास करेंगे? देखिए किस तरीके से उन्होंने स्लाइस शॉट को खेलने का प्रयास किया था, बट उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि एक चांस मिलता हुआ एस गणेशन को, क्योंकि पहले ब्रेक के बाद हम जो देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा बैलेंस यहाँ पे दिखता हुआ, क्योंकि पॉकेट के नज़दीक वाइट है, उस वाइट के बाजू से अगर खेलना है तो बैलेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पे कटबैक की कोशिश, इसमें भी कामयाबी मिलती हुई गणेशन को। ये बैलेंस पे फिर एक बार, ओहो हो क्या सुंदर खेल का प्रदर्शन। मेरे ख्याल से मेरे ख्यालों में ही रह गया। अगर मैं ये बताना चाह रहा था कि आगे अगर ये कॉइन पॉकेट होती है तो ब्लैक स्लैम के लिए जा सकते थे। अब इस ब्लैक को हार्ड ग्लांस करते हुए रिवर्स रिटर्न का प्रयास होगा। दोनों ब्लैक को हार्ड कर दी, बहुत अच्छी तरीके से खेला जुगल किशोर दत्ता। अब देखिए ऊपर वाली जो रिलीज ब्लैक है उससे खेलना चाहते थे। अब हमें देखना है कि शायद फिनिश के लिए जाएंगे जुगल किशोर। अगर ऊपर जो ब्लैक वाइट है वो अगर अच्छी तरीके से पॉकेट कर सकते थे तो आगे उनके लिए बहुत कुछ इजी था, लेकिन अब क्वीन कवर मेरे हिसाब से खेलेंगे ज़रूर, और खेलने का प्रयास था, लेकिन क्या ये प्रेशर है पता नहीं है, लेकिन इजी क्वीन थी वो पॉकेट नहीं हो पाई। देखते वाइट जो कॉइन है क्या वो इजी है थंब की, थोड़ा डाउट यहाँ पे मुझे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कितनी गलत तरीके से रिबॉन्ड को खेला, हालांकि वो रिबॉन्ड क्वीन पे आनी चाहिए थी बट वो ब्लैक कॉइन पे लगी। अब क्वीन कवर की कोशिश करेंगे ज़रूर, यहाँ पे गणेशन ने क्वीन कवर कर दी है। यहाँ मेरे ख्याल से पॉकेट की कॉइन को खेलना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बैलेंस पे छोड़ेंगे या फिर टच पे छोड़ेंगे, दोनों में से एक। ओहो हो क्या बात है, गुड फिनिश, जुगल किशोर दत्ता इज़ इन फॉर्म। देखिए हर एक बोर्ड पे अपनी मुहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको फाइट करते हुए गणेशन भी बीच बीच में, जैसे पहले सेट में हमने देखा, दर्शकों से मैं माफ़ी करना चाहूँगा क्योंकि पहले सेट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच नहीं पाई ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन शायद अब बिलीव करता हूँ कि आप मुझे सुनते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेन टीम इवेंट की सेमीफाइनल मैच चल रही है, एस गणेशन तमिलनाडु वर्सेस जुगल किशोर दत्ता आसाम, इन दो बहुत ही बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में। और पहला सेट जुगल किशोर दत्ता ने जीत लिया था 22 वर्सेस 9 पॉइंट के हिसाब से स्कोर के ऊपर। और ये सेकेंड सेट चालू है जहाँ पे दो ब्रेक के बाद जुगल किशोर दत्ता का स्कोर हमें दिखता हुआ 7। क्वीन का प्रयास है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से क्वीन को कंट्रोल पोजीशन में खेल लिया है। कवर तो एकदम नज़दीक है और उसी को लेना बेहतर है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना इस सेट में खाता खोला नहीं है। तो क्वीन के साथ अगर कोई बोर्ड मिले तो वो बहुत अच्छे हो जाएगा इनके लिए। अब देखना है क्या बात है, माइनस कट खेलते हुए वाइट कॉइन को थर्ड पॉकेट करने का प्रयास है यहाँ पे, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बोर्ड की अगर हम दिशा और दशा देखते हैं तो अगर ये दो सेंटर की ब्लैक कॉइन उन्होंने खेली तो क्या पोजीशन
फेवरेबल हो सकती है गणेशन के लिए? नहीं, हालांकि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उसको खेला कि एक वाइट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, कट खेलने का प्रयास था लेकिन उसको अच्छी तरीके से नहीं खेल पाए। ये कनेक्शन का प्रयास और उसमें कामयाब होते हुए जुगल किशोर सोच रहे हैं कि आगे क्या करूँ, कैसे खेलूँ, किस कॉइन को खेलूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी कॉइन्स जो है, ब्लैक कॉइन उनको जा रही है, उसको किस चीज़ों के लिए उन्होंने रखा है, देखना है। कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होगी। यहाँ पे देखिए, रिबाउंड की कोशिश थी, रिबाउंड तो नहीं गया, बट अगर अच्छी तरीके से ब्लैक खेली तो वाइट हार्ड हो सकती है। और अब कुछ थिंकिंग ज़रूर होगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा कट लगता है हुआ हम देख सकते हैं, और रिबाउंड की जो कॉइन थी उसको पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई गणेशन को। फिर एक बार गणेशन बीच में ही देखो फ्लो बढ़ जाता है पॉकेटिंग का, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड टर्न को दे देते हैं गणेशन। यहाँ पे देखिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अच्छी तरीके से खेला, कॉइन पॉकेट होना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ऑड एंगल कनेक्शन था। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे अपने कॉइन कम करने के प्रयास में ये कुछ अलग पोजीशन खेलने का प्रयास है यहाँ पे। ओके, उन्होंने ये देखिए दोनों ब्लैक कॉइन को दूर दूर कर दिया, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। अब एक ही साथ में दो वाइट कॉइन, ब्लैक कॉइन को पॉकेट नहीं कर सकते, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी जुगल किशोर को, ये होती है स्ट्रैटेजी। अब शायद टाइट रिबाउंड खेलेंगे, अगर गई और टाइट खेलना चाहिए था, किसी भी तरीके से इस वाइट कॉइन को अपने हाथों में लेनी ही चाहिए थी। ओहो हो, यहाँ पे जुगल किशोर थोड़े से गलत होते हुए फिर एक बार कोशिश करेंगे, अगर इस बार कोशिश कामयाब हो गई तो फिर आगे खेल सकते हैं। ये स्ट्रोक धीरे लग रहे हैं जबकि थोड़े से पावरफुल होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, फाउल न होना हो जाए इसलिए बहुत ही आसानी से खेल लिया है, और ये इस सेकेंड सेट में थर्ड ब्रेक पे अपनी मोहर लगा दी है गणेशन ने। बहुत अच्छी तरीके से खेले गणेशन। हम देखना चाहेंगे कि इस सेकेंड सेट में जब तीन ब्रेक हो गए हैं तो हमें रेफरी ज़रूर बताएंगे कि स्कोर बोर्ड पे स्कोर क्या होगा। हालांकि ये मैं वापस बताना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि दोनों खिलाड़ियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, और इस मैच में जीतने वाला खिलाड़ी फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई होगा। तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 7 गणेशन, जुगल किशोर इज ऑल्सो ऑन 7-7। तो टफ चल रही है। मैं दर्शकों से ये निवेदन करूँगा कि इस मैच को ज़रूर देखें। ये मैच बहुत रोमांचकारी हो सकता है क्योंकि गणेशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जुगल किशोर को अगर सेकेंड सेट भी जीतना है तो बहुत सावधानी से और बहुत ही परफेक्शन के साथ खेलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, बहुत बेहतरीन ब्रेक है, इस ब्रेक को किस तरीके से अंजाम देखें देखना है, क्योंकि ओपनिंग कॉइन भी उनके पास है, ये इम्पोर्टेंट कॉइन है। इस कॉइन को बहुत अच्छी तरीके से खेला। अब जो लाइन के नज़दीक वाली वाइट है उसको यूज़ करेंगे कि ओके, यहाँ पे देखिए, क्रूशल था, इम्पोर्टेंट था ये टर्न। अगर इसमें ये वाइट कॉइन पॉकेट करते तो आगे ज़रूर खेलते, लेकिन बहुत समझदारी वाला खेल है। यहाँ पे वाइट स्लैम की सोच नहीं है, यहाँ पे बोर्ड लेने की सोच है, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया है कि अगर मैं एक का भी हर एक बोर्ड लूँ तो भी मैं जीत सकता हूँ, भले मेरे पॉइंट 8 हो जाए। तो ये सोच होती है दिग्गज खिलाड़ी की, जब हम सोचते हैं कि
हर एक बोर्ड हम अपने झांसे में ले ले और सामने वाले खिलाड़ी को कम से कम पॉइंट का बोर्ड दे दे। देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे एस गणेशन। अब कनेक्शन का प्रयास, क्योंकि कनेक्शन खेलने से एक ब्लैक हार्ड हो जाएगी और फिर ये खेलेंगे ये कॉइन। ये चॉइस परफेक्ट है क्योंकि पहले एक कॉइन को हार्ड कर दिया, थोड़े से टेंशन फ्री हो गए। यहाँ पे देखो 1-2 है, अगर गई तो दोनों कॉइन जा सकती है, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको एक इजी कवर चाहिए थी। अब सोचना होगा गणेशन को, हर एक कॉइन पे कंसंट्रेट करके खेलना होगा। क्वीन खेलने के लिए रेडी, क्वीन को पॉकेट कर दिया है, कवर देर आर मल्टीपल चॉइसेस, तो जो स्ट्रेट कॉइन है उसे ही खेलेंगे। अब इस कॉइन को खेलते वक्त क्या वाइट बाजू में हो सकती है? नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया, ज़बरदस्ती वाइट बाजू में नहीं कर दी। देखिए यहाँ पे उन्हें चांस था, इसलिए उन्होंने इस चांस को चूज़ किया था, बट बैड लक है, पॉकेट नहीं हो पाई, नहीं तो फिर कुछ अच्छा हो सकता था। बहुत अच्छी तरीके से खेला, और अब ये अगर कॉइन पॉकेट हो गई है तो इजी कनेक्शन है, वहाँ पे 3 का बोर्ड तो ज़रूर मिलेगा। और इस तरीके से देखो, ये सोच है यहाँ पे, अगर मैं गलत खेलता हूँ तो सामने वाले अपोनेंट खिलाड़ी को किस किस तरीके से चांसेस है फिनिश करने के, ये खिलाड़ियों ने सोचना चाहिए। बट ये भी बात सही है कि अगर ये सोच ही रहेगी तो खेल कब होगा, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी लेना पड़ता है खेल में। खेल कोई भी हो उसमें हम 85% अपनी मेहनत अपनी लगन के साथ उसको सवार सकते हैं, खेल सकते हैं। एंड ऑफ द डे 15% जो है वो भगवान के ऊपर है, जिसे हम लक कहते हैं कि आज मेरा लक नहीं था या आज मेरा लक है। ये चीज़ें हर एक गेम में होती है। हालांकि देखिए 4 बोर्ड के पश्चात स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ जुगल किशोर 10 और एस गणेशन 7। और एस गणेशन ने ये जो ब्रेक खेला है बहुत ज़बरदस्त ब्रेक है, देखना है अब किस तरीके से इस ब्रेक को आगे आगे खेलते हुए अंजाम देंगे गणेशन। ओहो, ये सिंपल थंब था लेकिन इस थंब को मिस कर दिया। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। हालांकि यहाँ पे देखिए यही मिस्टेक जुगल किशोर से होती हुई। अब अगर इस वाइट कॉइन को पॉकेट किया तो खेलेंगे क्वीन को या फिर आगे वाली वाइट को, बट क्वीन को ही खेलेंगे क्योंकि क्वीन सीधी पॉकेट जा रही है। क्वीन खेलने के बाद देर आर अगेन मल्टीपल ऑप्शंस फॉर कवर। ओहो क्या मतलब, अगर थंब थोड़े वीक है तो खेल लेनी चाहिए थी जो इजी कॉइन थी। क्वीन का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए था यहाँ पे। एक तो आप पीछे चल रहे हो, तो क्वीन का अगर आपको इम्पोर्टेंस समझ में आता है तो कॉइन को लेना चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ये चीज़ नहीं बता सकते क्योंकि हर एक प्लेयर की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल होती है। देखिए शायद ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखेंगे धीरे धीरे अब हमें समझ में आएगा कि अब देखिए यहाँ पे क्वीन को खेलने की कोशिश, लेकिन अगर मैं देख सकता हूँ तो 9 के 9 ब्लैक ऊपर है। अब शायद धीरे धीरे एक दो जितनी भी ब्लैक जाने वाली है उसको खेलेंगे और फिर जुगल किशोर क्वीन को खेलेंगे। क्वीन को डबल टच बहुत बेहतरीन तरीके से पॉकेट कर दिया है। क्या इस कॉइन से जो 3 कॉइन वहाँ पे ऑकवर्ड पोजीशन पे है उसको ओपन करने का प्रयास होगा? यस, ज़रूर किया है, लेकिन अब अगर गलत खेले तो पेनल्टी लगनी ही लगनी है।
सोच रहे हैं हार्ड प्रेस करके वाइट को पॉकेट ले लूं। ओहो बहुत अच्छे, लेकिन नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये रिबॉन्ड जा सकती है। ठीक है कोई बात नहीं है, रिबॉन्ड इतनी ज़ोर से खेला कि वो कॉइन वोमिट हो गई। अब टेंशन, ये कनेक्शन अगर हुआ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन को खेला, आगे क्या, दोनों तीनों ब्लैक टफ पोजीशन पे है। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक को खेलते हुए क्या बात है, लेकिन अब भी साउंड पोजीशन नहीं दिख रही। एक एक कॉइन को बहुत मेहनत से पॉकेट कर रहे हैं। ओहो उनका बहुत सही निर्णय था लेकिन उसको अंजाम नहीं दे पाए और इस तरीके से गणेशन ने इस ब्रेक को जीत लिया। हालांकि देखो दोनों खिलाड़ी सेम तरीके से खेल रहे हैं, जबकि पहले जुगल किशोर ने 7 पॉइंट तो गणेशन के 7 पॉइंट हो गए, अब जुगल किशोर ने 3 का ब्रेक लिया तो गणेशन ने भी 3 का ब्रेक लिया। तो हालांकि एक ही चीज़ है यहाँ पे के जुगल किशोर ने 5 और 2 ऐसे 2 ब्रेक लिए थे यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं 5 बोर्ड के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ एस गणेशन 10, जुगल किशोर दत्ता 10। ये सेकेंड सेट है, अगर ये सेट एस गणेशन ने जीत लिया तो जो थर्ड सेट होगा उसे देखने में तो और मज़ा आएगा। ब्रेक को सेट कर रहे हैं 49वीं ये सीनियर नेशनल कैरम टूर्नामेंट की मेन टीम इवेंट की सेमीफाइनल जो चल रही है, एस गणेशन तमिलनाडु अगेंस्ट जुगल किशोर दत्ता। पहली बार जुगल किशोर दत्ता का ये ब्रेक बहुत ही खराब ब्रेक लगता हुआ, और असल में जो ब्रेक किया है वो गणेशन ने अपनी ब्लैक कॉइन्स को ओपन कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन खेला, अब दूसरा कोई चारा नहीं है क्वीन खेलने से, क्वीन खेलनी ही पड़ेगी, तो क्वीन को पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए प्रेस कवर है या फिर और एक कनेक्शन है जिसको खेलेंगे, चूज़ करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको भी चूज़ कर दिया। देखिए कभी कभी ब्रेक नहीं होता है फिर भी जब अपोनेंट वाला उसको ओपन करता है तो बहुत बार साउंड पोजीशन आ जाती है। यहाँ पे देखिए हार्ड प्रेस होगा, बहुत ही ताकतवर प्रेस होगा, अगर खेल लिए तो पोजीशन उतनी फेवरेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी वो जो शोले पिक्चर का डायलॉग है वो मुझे अभी याद आ रहा है गब्बर का कि चुन चुन के मारूंगा, तो उस तरीके से एक एक कॉइन को चुन चुन के खेलने का प्रयास यहाँ पे दिख रहा है। जुगल किशोर यंग खिलाड़ी, डायनामिक खिलाड़ी है। यहाँ पे देखिए ब्लैक की पोजीशन देखने गई तो बहुत ही साउंड है, बहुत ही अच्छी है, एक रिबॉन्ड की जो कॉइन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। यहाँ पे अननेसेसरी मुझे ऐसा लग रहा है कि दो दो थम जो है उन्हें रखा हुआ है, कभी भी खेल सकते हैं, अपनी घर की है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जुगल किशोर धीरे 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 घुस जाए अंदर और वो भी गिननी पड़े। बहुत बार ऐसे होता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए किस तरीके से एक कॉइन को लॉक करने में कामयाबी मिलती हुई, अब उस कॉइन को भी इजी करने का प्रयास। हालांकि अच्छी सोच है एस गणेशन की, कहीं पे भी चांस नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिडल वाली जो वाइट है क्या उसे कट करने का प्रयास था या फिर एक अनप्रेडिक्टेबल शॉट खेल लिया है जिसकी हम सोच नहीं कर पाते। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ब्लैक पॉकेट कमांडिंग पोजीशन पे दिखती हुई गणेशन द्वारा हेड कट, उनको भी लगा होगा कि ये ड्यू हो रहा है कि क्या, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हेड कट खेला, रिबॉन्ड में कोशिश कर रहे थे बट रिबॉन्ड को पॉकेट नहीं कर पाए। अब देखिए वाइट कॉइन को कट खेलेंगे,
लेकिन धीमी गति से खेल लिया, कॉन्फिडेंस लेवल कम था। अब शायद ये फिनिश का पोजीशन हो सकता है गणेशन के लिए। मेरे हिसाब से 100% अगर इस कॉइन को पॉकेट कर लिया, हो फिर भी एक बार एक और चांस मिलता हुआ जुगल किशोर दत्ता को। अब इसमें देखिए गैप में खेलेंगे और न गई नहीं है कॉइन, पॉकेट नहीं हुई है, लेकिन डिफिकल्ट ज़रूर हो गई ब्लैक। अब इस ब्लैक को किस तरीके से खेलेंगे देखना है हमें, और सही चॉइस है, इस ब्लैक को रखना ही है, नहीं तो फिर जुगल किशोर को चांस मिलता है दोनों वाइट को खेलने का। अब मेरे ख्याल से इस वाइट को जुगल किशोर ये ब्लैक को अपने हिस्से में ले लेंगे ज़रूर घुमा के, और देखिए किस तरीके से अपनी भी पोजीशन इजी करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके की उन्हें पोजीशन चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बहुत अच्छी तरीके से बहुत लंबे का सफ़र तय, ओहो क्या बात थी, बहुत बेहतरीन तरीके से लंबे का कनेक्शन भी खेलना चाह रहे थे। अब देखना है ये सीजर ग्रिप से खेलेंगे, अगर लगा ओहो बहुत ज़्यादा ज़ोर से खेल लिया, पॉकेट से वोमिट हो गई, बाहर निकल आई वाइट कॉइन। कट का प्रयास गणेशन द्वारा, और ओ माय गॉड बहुत ही नज़दीक आके रुक गई है पॉकेट के। ये चांस है जुगल किशोर के लिए सर्विस ब्रेक करने का, एक पॉइंट लेने का, एक पॉइंट से लीड लेने का। ओहो तालियां लगनी चाहिए इस चीज़ के लिए, बहुत बेहतरीन कट का प्रदर्शन, एक पॉइंट ले लिया है, लेकिन एक पॉइंट मिला लेकिन जो चार पॉइंट उनके बढ़ते थे उसको रोक दिया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट से लीड ले लिया है, तो अब हम देखेंगे स्कोर बोर्ड पे 6 ब्रेक के बाद स्कोर हमें दिखाई देगा। जुगल किशोर अच्छा क्वीन के साथ ले लिया है 14, माय मिस्टेक मैंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे एस गणेशन द्वारा ये सेकेंड लास्ट ब्रेक की शुरुआत होने जा रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक है उनके लिए, जो करना है उन्हें ये ब्रेक में करना है, ब्रेक फेल होगी। दोनों खिलाड़ी सेम खेल रहे, इसके पहले वाली जुगल किशोर की भी ब्रेक फेल थी और अब गणेशन की भी ब्रेक फेल हो गई। प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देता हुआ खिलाड़ियों के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल कॉइन को रिबॉन्ड खेला और जो शॉट था उसको ब्लॉक कर दिया, कोई पोजीशन नहीं है। अब इस अलग इस पोजीशन को किस तरीके से खेलेंगे देखना है। हालांकि देखिए लगातार बार बार ब्लैक कॉइन के बीच में वाइट को लाने का प्रयास। अब मेरे हिसाब से क्वीन को ज़रूर खेलेंगे, क्या बात है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, कवर थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते लेकिन स्टैंडिंग कट है, क्या बात है, बेहतरीन। अब एक वाइट के वजह से 3-3 ब्लैक रुकी हुई है, उनको रिलीज करेंगे, यही टर्न है, दिस इज द परफेक्ट टर्न। अब आगे खेलेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल बोर्ड बोथ प्लेयर्स के लिए, दोनों खिलाड़ियों के लिए। सीजर ग्रिप से थंब को पॉकेट कर लिया, अभी भी 2 वाइट बहुत इजी है जिसको खेलना है, और ये 1-2 का प्रयास था, 1 shot 2 down जिसको कहते हैं, बट फेल हो गए, उसमें सफलता नहीं मिलती हुई। धीरे धीरे जुगल किशोर एक एक अपनी ब्लैक कॉइन को पॉकेट करने में लगे पड़े हैं, शायद वहां की भी पोजीशन खेल लेंगे क्योंकि साउंड पोजीशन नहीं है वाइट की। अब वो जो खड़ी
कट खेलने का प्रयास होगा, स्टैंडिंग कट। देखिए कंट्रोल देखिए, अब अगर ये कॉइन चली गई तो दूसरी ब्लैक भी इजी हो जाएगी। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ये सेट जीत ले चुका है एक ब्रेक को स्पेयर में रखते हुए, क्योंकि 14 और 9 23 फिर एक बार एक पॉइंट से क्वालिफाई नहीं हो पाए एस गणेशन और वेलप्रेड जुगल किशोर दत्ता फ्रॉम आसाम। क्या बात है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन किसी की हार किसी की जीत निश्चित है। यहाँ पे थोड़ा सा उम्दा खेले, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे खेले जुगल किशोर दत्ता। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ, एंड जुगल किशोर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक फॉर एस गणेशन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलिए इस नोट पे मैं मंदार बर्डे आपसे इजाज़त लेता हूँ, और ज़रूर आप बने रहिए इस MCA के माध्यम पे। YouTube लाइव में आपको बहुत अच्छी अच्छी मैचेस आपको देखने मिलेंगे, और हमारे मेरे साथ बहुत ही सीनियर साथी कमेंटेटर दलवी सर है, वो अगले मैच का जीता जागता प्रदर्शन आपको उनके बहुत बेहतरीन आवाज़ से प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।